आदा बरज़े प्यारे दोस्तों, उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल है, आप सबका स्वागत है। आप कैसे हैं? खैरियत से है ना? क्या करें, आजकल हालत बहुत ख़राब है। स्कूल का रास्ता तक हम भूल गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, स्कूल का रास्ता भूलने वाली चीज़ नहीं है। मैंने आप लोगों से यूं ही एक मजाक किया था, छोड़ दीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों को चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप तैयार हैं ना? आपके पसंदीदा नज़ारे वाली तस्वीरें गौर से देखिए। जी दोस्तों, आपने क्या क्या देखा? देखिए, बच्चे कहाँ जाते हैं? जी स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक है, मिलजुल कर। ये बच्चे मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहे हैं? जी खाना खाते हैं। ये बच्चे मिलजुल कर खाना खा रहे हैं। ऐसा है तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये कैसे खेलते हैं? खुशी खुशी। जी खुशी खुशी खेल रहे हैं। क्या है खुशी खुशी? संतोष तोड़े, अत्याह्लाद तोड़े। ठीक है, देखिए तस्वीर में क्या है? आप लोग भूल गए? नहीं नहीं, ये असेंबली है। अच्छा, ये स्कूल असेंबली है। दोस्तों, हम क्यों पढ़ते हैं? इल्म के लिए। जी हम इल्म हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या है हासिल करना? स्वायत्तमाकुगा, करस्थमाकुगा। इल्म हासिल करना, विज्ञानम करस्थमाकुगा। हम क्यों इल्म हासिल करते हैं? ठीक है, अच्छे इंसान बनने के लिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे पेशा मिलने के लिए। क्या है पेशा? तुरिल, नल्ला तुरिल नेडानम, नल्ला मनुष्यरागानुमान नाम पढ़िकिन्दु। हमको इल्म कहाँ से मिलती है? कहाँ कहाँ से मिलती है? स्कूल से, स्कूल से मिलती है। सिर्फ स्कूल से है? नहीं, दुनिया के कोने कोने से हमको इल्म मिलती है, और दुनिया की सारी चीज़ों से हमको इल्म मिलती है। ठीक है दोस्तों, स्कूल से हमको इल्म मिलती है, उसके साथ साथ हमको और भी चंद चीज़ें भी मिलती हैं। वो क्या क्या है? जी दोस्त और असातिज़ा, फिर इनामात, तजुर्बात, तजुर्बात अनुभव मिल, और खाने की चीज़ें भी मिलती है ना? अच्छा, चावल मिलती है, खाना मिलते हैं, दूध मिलते हैं, अंडा मिलते हैं, केला भी मिलते हैं। पहनने के लिए क्या मिलते हैं? यूनिफॉर्म। हमारे स्कूल एक अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया, वेरिटर लोगम। नम्मुडे स्कूल अलग ही दुनिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तस्वीर भी गौर से देखिए। ये हमारी सातवीं जमात की दर्सी किताब में शामिल दूसरे यूनिट का जीरो पेज है। जीरो पेज की तस्वीर है। कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लगता है। देखिए इस तस्वीर में क्या क्या है।
बताइए जी। पेड़ तस्वीर में बड़ा पेड़ है, छोटा नहीं बड़ा पेड़ है, ऊंचा पेड़। और क्या है? बस। अच्छा कौन सा बस है? स्कूल बस। अच्छा स्कूल बस में कौन जा रहे हैं? हाँ बच्चे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल बस में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और कौन कौन है? लड़कियां हैं। कितनी कितनी लड़कियां? दो लड़कियां हैं। वो क्या कर रही हैं? ये लड़कियां क्या कर रही हैं? अच्छा वो गीत गा रही हैं। वो कहां बैठकर गीत गा रही हैं? सड़क के किनारे। अच्छा लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। और कौन कौन है इस तस्वीर में? सड़क पर कौन है? अच्छा मजदूर है। मजदूर लोग सड़क पर चलते हैं। वो कहां जाते हैं? मजदूरी के लिए जाते हैं। ठीक है अच्छा जवाब। उसके सिवा और क्या है? उड़ने वाले जी परिंदे हैं। परिंदे क्या कर रहे हैं? परिंदे उड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, इस यूनिट पर इसका नाम भी लिखा गया है। वो क्या है? अच्छा पढ़ते रहो बढ़ते रहो। अच्छा क्या है पढ़ना? पढ़िएगा। बढ़ना वालरेगा। पढ़ते रहो। പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കൂ, വളർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കൂ. ഒറ്റ വാക്കിൽ പഠിച്ച് വളരാം. ബസ് ടീക്ക് ആപ്നെ സുന ഹോക ഹമാരെ മലയാളം മേ എക് പ്യാരേ ഷായർ എക് ഛോട്ടാ ആദ്മി എക് ഛോട്ടാ ബുസുർഗ് വാല സഫേദ് കപ്പടേ പഹനെ വാല എക് ഛോട്ടാ ആദ്മി അച്ഛാ സുന ഹെ अच्छा कुंजनिमाश। देखिए कुंजनिमाश कितना प्यारा लगता है। कुंजनिमाश आपने उसको नहीं देखा होगा, मैंने देखा है एक बार। मेरे गांव में कुंजनिमाश आए थे सालों पहले। उनकी मुँह से उनकी जुबान से अच्छी अच्छी शायरियां मैंने सुनी है। उनकी एक शायरी है बहुत मशहूर है, वाईचाल वलरुम। वाईचिल्लेंगिलुम वलरुम। वाईचाल विलयुम। वाईचिल्लेंगिल वलयुम। ठीक है ना, आपने सुना है। अच्छा देखिए बच्चों, इस तस्वीर में एक शेर भी है। ये हमको मीठी आवाज में सुने। देखिए एक वीडियो क्लिप बड़ी शीरीन आवाज में। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, प्रेम की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। क्या है? जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से मुझको मोहब्बत या रब। ठीक है, ये शेर किसका है? सुना है ना। ठीक है, ये मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ एक शेर है। मशहूर नज़म है बच्चे की दुआ, उसका एक शेर है ये शेर। इसमें शायर क्या बता रहा है? ठीक है, इसमें एक बच्चे की दुआ पेश कर रहा है। क्या बच्चा क्या दुआ करता है खुदा से? ए खुदा मेरी जिंदगी
जिंदगी क्या है, लाइफ, जीवितम, ये एक परवाने की परवाना, परवाना परवाना क्या है, एक कीड़ा है परवाना, ईयम पाटा एक परवाने की सूरत बना दे, ഒരു ഇയാമ്പാറ്റയെ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം നീ ആക്കിത്തരണമേ. ഓ, ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യനെ ഒരു ഇയാമ്പാറ്റയെ പോലെ ആക്കി, എന്ത് പ്രാർത്ഥന ഇത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. ദേഖിയേ അഗല മിശ്ര, ദേഖിയേ ഇൽമ കി ഷമ്മാ സെ ഹോ മുജ്കോ മൊഹബത്ത് യാറ. ഇൽമ വിജ്ഞാനം, ഇൽമ കി ഷമ്മാ, ഷമ്മാ ക്യാ ഹേ, ഹം അന്ധേരേ മേ रोशनी मिलने के लिए जला कर रखते हैं, हम जला रखते हैं क्या चराग है या मोमबत्ती, मेरुगतिरी. अच्छा, इल्म की शम्मा से मुझको मोहब्बत हो जाए, या खुदा मुझको इल्म की शम्मा से मोहब्बत हो जाए. क्या परवाना और शम्मा से क्या ताल्लुक है? ये परवानयुम शमयुम तमिल एंदाण बंधम? ആദ്യമായി പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വിളക്കിന് ചുറ്റും പാറി നടക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റുകളുണ്ട്, എന്താണ് അവരുടെ സ്വഭാവം? ആ വോ ജൽനേ വാലെ ചിറാഗ് കേ ആസ്പാസ് ഉഡ് രഹേ ഹേ ഓർ ആഗ് പർ ചഢ്തേ ഹേ ഓർ ഉൻകേ പർ ജൽത്തേ ഹുവേ വോ മർ ജാതേ ഹേ. വോ ക്യോ? ഷമ്മാ സേ परवाने को बहुत मोहब्बत है. उसी तरह इल्म की शम्मा से मुझको भी मोहब्बत पैदा करे. ठीक है, समझा है? ये सुनिए मलयालम में एक कविता. इस शेर का मलयालम तर्जमा कविता की सूरत में, नज़म की सूरत में मलयालतिल ई रंड वरिगलडे ईरडियडे आशयम एंगनेयाण अवतरिपिच्चतेन्न ഒന്ന് നോക്കൂ. എരിയും ചരാതിൻ പ്രേമിയാം പാറ്റയായി ഞാനാനുരാഗിയായി എന്നെയാക്കിടേണമേ. ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने अभी इस जीरो पेज पर बहुत सारे चर्चा किया है ना. आप दर्सी किताब में जीरो पेज की तस्वीर गौर से देखिए, किताब लीजिए और किताब पर हमारे जीरो पेज गौर से देखिए. और क्या करें इसके बारे में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, उस पर चंद जुमले लिखें. हमने चर्चा किया, ये चर्चा याद करके आप क्या करना है, उसके चंद जुमले तैयार करें और अपने टीचर को भेज दीजिए. और एक काम भी है, आपका पसंदीदा काम होगा, क्या है? ड्राइंग करना, चित्रम वरकेगा. आपको पसंद है क्या? इष्टमले. ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है. आप जीरो पेज की यह तस्वीर को अपनी नोटबुक या मेरी प्यारी किताब पर अच्छी तरह खूबसूरत अंदाज में मनोहरमाई निंगल वरकेगा और रंग भरिए. फिर ये दोनों अपने टीचर को भेज दीजिए. प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा? पसंद आया है क्या? तो ठीक है, हमारा आज का क्लास यहाँ ख़त्म होने वाला है. हम अगले क्लास में ज़रूर मिलेंगे. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.